दोस्तों 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं जिसके द्वारा के जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव होंगे जिसके बारे में के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आरसीएम की प्रोविज़न जो है उसमें बदलाव किया गया है, इसके अलावा कुछ और प्रोविज़न बदली गई हैं जिससे कि जीएसटी में बहुत बड़े इम्पैक्ट आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीएसटी दिन ब दिन बदल रहा है, इसकी कंप्लायंस करनी मुश्किल होती जा रही है, इसलिए रेगुलर अपडेट के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 9 सितंबर 2024 को दिल्ली में हुई, जिसमें कि बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहला डिसीजन जो कि इम्पोर्टेंट है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड, यानी कि मेटल स्क्रैप यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाएगी तो अब जीएसटी आरसीएम बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। इस केस में सप्लायर को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की सप्लाई की जाती है, यानी कि टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि यदि आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं 40 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस केस में आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस केस में जो रिसिपियंट होगा उसे रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा, भले ही सप्लायर ने अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेटल स्क्रैप के केस में यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेंगे तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। इसके लिए जल्द ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी कि यह प्रोविज़न किस दिन से लागू होगी। और यहाँ पे 2% TDS भी अप्लीकेबल होगा यदि B2B सप्लाई की जाएगी, यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेसमैन को सप्लाई की जाएगी, तो उस केस में 2% TDS काटा जाएगा। दोस्तों एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दोस्तों अब यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे लेते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में भी आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको अपने आप जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पहले प्रोविज़न थी कि यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उस केस में ही आपको जीएसटी पे करना होता था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, लेकिन अब कमर्शियल प्रॉपर्टी वालों को भी इसके अंतर्गत कवर कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि इससे रेवेन्यू की लीकेज हो रही है, इसलिए इसके लिए भी गवर्नमेंट जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके बारे में कि हम आपको बताएंगे कि ये प्रोविज़न कब से लागू होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है B2C ई-इनवाइसिंग से रिलेटेड। आज की डेट में 5 करोड़ से ऊपर के यदि टर्नओवर है तो B2B यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए ई-इनवाइस आपको बनानी होती है, लेकिन अब B2C ई-इनवाइसिंग के लिए भी नई प्रोविज़न डाली जाएगी जीएसटी एक्ट में, यानी कि जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि पायलट बेसिस पे B2C ई-इनवाइसिंग स्टार्ट की जाए, यानी कि यदि बिजनेसमैन कस्टमर को इनवाइसिंग कर रहा है तो उसके लिए भी आपको ई-इनवाइस पोर्टल पे जाके रिपोर्ट करना होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग को होंगे रिटेल सेक्टर के केस में, जैसे कि बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो कस्टमर को होगा, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर को नहीं पता चलता है कि उसने जिस इनवाइस के ऊपर जीएसटी पे किया है क्या आगे बिजनेसमैन ने उसे गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो अब रिटेल कस्टमर ये वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या बिजनेसमैन ने आगे जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया है, तो जीएसटी रिटर्न में वो इनवाइस की ट्रैकिंग कर पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पायलट बेसिस पे रोल आउट किया जाएगा, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पे कुछ सिलेक्टर सेक्टर जो है पहले सिलेक्ट किए जाएंगे और कुछ सिलेक्टर स्टेट होंगी जिसमें कि इसे लागू किया जाएगा, उसकी सक्सेस के बाद ही ऑल ओवर इंडिया इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था कि इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव कर दी जाएगी पुराने सालों की यदि व्यक्ति अपना टैक्स जो है वो पे कर देता है। तो इसके लिए अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने अपनी अप्रूवल दे दी है। तो यदि आपका फाइनेंशियली 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020 में कोई टैक्स बनता है और आप उसे पे कर देते हैं तो उस केस में कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके लिए सेक्शन 128A जो है वो जीएसटी एक्ट में डाला गया था और इसके लिए अब रूल 164 जो है वो इंसर्ट किया जाएगा जीएसटी रूल में।
तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट डेट भी बता दी है कि 31/3/2025 तक यदि आप अपना टैक्स पे कर देंगे तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो वेव कर दिया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट सेपरेट सर्कुलर भी जारी करेगी जिसके द्वारा के बताएगी कि कैसे आपको ये इंटरेस्ट या पेनल्टी का वेवर लेना है। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने यह भी कह दिया कि 1 नवंबर 2024 से ये जो नया सेक्शन 128A इंसर्ट किया गया है ये नोटिफाई किया जाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों की पुराने सालों की जीएसटी की डिमांड है तो वो यदि 31/3/2025 तक पे कर देंगे तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लाएगी तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जीएसटी एक्ट में को बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था कि जिन व्यक्तियों ने फाइनेंशियली 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए इनपुट टैक्स कैटेगरी क्लेम कर लिया है 30 नवंबर 2021 तक जीएसटी रिटर्नों में, तो उस केस में वो इनपुट टैक्स कैटेगरी डिसअलाउ नहीं किया जा सकता जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो इसी के लिए जीएसटी एक्ट में जो है नए सेक्शन इंसर्ट किए गए थे, सेक्शन 16 सब सेक्शन 5, और इसके अलावा सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 भी इंसर्ट किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है और वो बाद में उसे स्टार्ट करवा लेता है या ऑर्डर के द्वारा स्टार्ट हो जाती है तो उसे इनपुट टैक्स कैटेगरी कैसे लेना है। तो ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 1 जुलाई 2017 से डाली गई थी जीएसटी में। तो इसके लिए जो जीएसटी ऑफिसर है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि पहले जीएसटी ऑफिसर ने डिमांड निकाल दी थी कि टैक्स पेयर ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है ड्यू डेट्स के बाद। तो अब आप 30 नवंबर 2021 तक यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसकी वजह से यदि आपकी डिमांड निकली थी तो वो अब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के द्वारा ठीक की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा यदि अपील ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल नहीं की गई है। और इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया जाएगा तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जीएसटी में बहुत से लीगल डिस्प्यूट आ रहे थे जिन्हें के क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग सर्विस रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट आ रहा था यदि इंडियन एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉरेन एंटिटी को एडवर्टाइजिंग सर्विस देती है। इसी प्रकार यदि डेमो व्हीकल लिया जाता है डीलर के द्वारा तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेल करना है। इसी प्रकार यदि डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे कि सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करनी है डेटा होस्टिंग सर्विस के केस में, इसके लिए सर्कुलर जारी करके बताया जाएगा कि इस केस में कैसे जीएसटी के प्रोविजन को कंप्लाई करना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन जारी की जाएगी, क्योंकि देखा गया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंसाइनमेंट नोट इशू करती है जिसमें कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अलावा और सर्विस भी देती है जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग टेम्प्रेरी वेयर हाउसिंग, तो ये सभी कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे और जो जीएसटी का रेट जीटीए पे लगता है वही इन पे लगता है। लेकिन यदि ये सर्विस सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी यानी कि इनवॉइस आप सेपरेटली रेज करेंगे तो इसे जो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर जारी करेगा सीबीआईसी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा बहुत से सर्विस दी जाती हैं जिनके ऊपर के जीएसटी चार्ज होगा या नहीं इसके लिए कन्फ्यूज़न थी, जैसे कि रेंटल चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए या फिर टेस्टिंग फीस फॉर मीटर ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट्रा लेबर चार्जेस फॉर कस्टमर फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स चार्ज फॉर डुप्लीकेट बिल्स। तो अब जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि ये सभी कॉम्पोजिट सप्लाई माने जाएंगे और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं है तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो पास्ट पीरियड में यदि जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसे एज इज वेयर इज बेस पे रेगुलराइज किया जाएगा। एफिलिएशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं इसके लिए क्लैरिफिकेशन जारी की जाएगी कि सीबीएसई टेक्स्ट्रा जो एजुकेशन बोर्ड है यदि वो एफिलिएशन की सर्विस देते हैं तो वो टैक्सेबल होगी, उससे जीएसटी से कोई एग्जम्पशन नहीं होगी। लेकिन यदि स्टेट या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड या एजुकेशन काउंसिल जो है गवर्नमेंट स्कूल को ये सर्विस देगी तो प्रोस्पेक्टिवली इसे एग्जम्प्ट किया जाएगा, लेकिन 1 जुलाई 2017 से 17 जून 2021 तक इसे एज इज बेसिस पे रेगुलराइज किया जाएगा। इसके अलावा यदि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को एफिलिएशन सर्विसेज देती है तो उसे कोई एग्जम्पशन नहीं होगी, इसके लिए सर्कुलर जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो उस केस में वो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज भी पे करता है कि उसे
प्रेफरेंशियल लोकेशन पे घर मिल जाए, जैसे कि कॉर्नर हाउस मिल जाए, फेसिंग पार्क मिल जाए एक्स्ट्रा, तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन जारी की जाएगी कि जब आपने कंसीडरेशन पे किया है, यदि उसके साथ ही आपने प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज भी पे किए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा। तो यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू होने से पहले आप ये प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज पे करेंगे, भले ही रेजिडेंशियल के लिए करें, कमर्शियल के लिए करें या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा के लिए करें, तो इसे मेन सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हुए जो मेन सप्लाई के ऊपर जीएसटी का रेट होगा वही प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ रेट एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन भी लिए गए हैं, जैसे कि नमकीन एंड एक्सपेंडेड सर्वरी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर 18% से 12% जीएसटी किया जाएगा। इसके अलावा जो कैंसर ड्रग है उस पर भी जीएसटी का रेट 12% से 5% किया जाएगा। जो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट हैं उनके ऊपर भी जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि 28% होंगे। कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स पे जीएसटी के रेट क्या होंगे, 18% होंगे। इसके अलावा कार सीट्स जो हैं उसके ऊपर जीएसटी के रेट 18% से 28% किया जाएगा, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी की जाएगी। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के केस में गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की कमेटी बना दी है, जो कि डिस्कशन करने के बाद इसके ऊपर अगली रिपोर्ट जो है अक्टूबर 24 के एंड में देगी। तो दोस्तों जैसे ही गवर्नमेंट इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी कर देगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो सभी हमने चेंजेस आपसे डिस्कस किए हैं ये एप्लीकेबल होंगे जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है taxhill.com की वेबसाइट से। तो आपकी 54th GST काउंसिल मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो पूरी हुई है या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।